आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे। सतना जिले के चित्रकूट में कई दशकों से दीपावली के दूसरे दिन से 3 दिनों तक अनोखा गधों का मेला आयोजित किया जाता है। यह ऐतिहासिक मेला मुगल शासक औरंगजेब के जमाने में शुरू हुआ था, जो आज भी अनवरत जारी है। यहाँ तरह तरह के गधे बिकने के लिए पहुंचते हैं। इस बार के मेले में विकास नाम का गधा 1.5 लाख में तथा सलमान, मोहित और दीपिका नाम के गधे 1.25 लाख में रुपए में बेचे गए। शाहरुख 70,000, रणवीर 50,000 और ऋतिक नाम के गधे की बोली 30,000 में लगाई गई। गधों के खरीदार भी बड़े दूर दूर से आते हैं और उन्हें साल भर इस मेले का इंतजार रहता है। चित्रकूट में हर वर्ष आयोजित होने वाला ऐतिहासिक गधा मेला का भी आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में लोग गधे लेकर पहुंचे, जिन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। बताया गया कि गधा मेला दीपावली से 3 दिन तक मंदाकिनी नदी के किनारे क्वेट्रा में आयोजित किया जाता है। दरअसल धर्मनगरी चित्रकूट में गधों के मेला की शुरुआत मूर्ति भंजक औरंगजेब ने शुरू की थी। तब से आज तक हर वर्ष दीपावली के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जहाँ दूर दूर से गधों के व्यापारी आते हैं। अब तक चित्रकूट में लगभग 10,000 गधे मेले में शामिल हुए हैं, जहाँ गधों को खरीदा और बेचा गया। इस मेले में सबसे ज्यादा महंगी बोली सलमान नाम के गधे की लगाई गई, जो 1.5 लाख में बिका है। चित्रकूट में लगने वाले ऐतिहासिक गधा मेला में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान से गधा मालिक अपने अपने गधों को लेकर बेचने और खरीदने आते हैं। इन गधों का काम खच्चर के लिए होता है और जो नस्ल सबसे अच्छी होती है उसकी बोली ऊंची लगती है। यहाँ बॉलीवुड के कलाकारों के नाम पर गधों के नाम रखे जाते हैं और फिर बोली लगाई जाती है। इस बार गधों के नाम सलमान, शाहरुख, दीपिका, रणवीर, करिश्मा, ऋत्विक आदि रखे गए हैं, जिसमें सलमान 1.5 लाख, दीपिका 1.25 लाख, शाहरुख 70,000, रणवीर 50,000 और ऋतिक नाम के गधे की बोली 30,000 में लगाई गई। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में अब तक 1.5 से 2 करोड़ का व्यापार हो चुका है।